राधे राधे श्री हरिदास। तो आज 31st ईव है और आज हर कोई प्लान कर रहा है कि हम अपनी 31st की इवनिंग कहाँ पर सेलिब्रेट करें, एंड ऑल्सो वी वर प्लानिंग कि हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, और हम सबसे बेस्ट जगह ढूंढना चाहते थे जहाँ पर ज़्यादा शोर भी ना हो और मन की शांति भी मिले। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर भगवान हरि का नाम हो उससे ज़्यादा बेहतर जगह नहीं हो सकती। साल 2022 का अंत और 2023 की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के नाम से हो तो उससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और इसलिए आज हम आए हैं नोएडा के इस्कॉन टेंपल में। आपको सारी मैं एक बार दिखाऊंगी कि आज क्या कुछ इस्कॉन टेंपल में होगा। चलिए आप मेरे साथ आइए। कैसा रहा? Why you were crying? ये scripted था या होगा था naturally? नहीं, वो साल 2022 का अंत हो रहा है तो तमाम वो सारी चीजें जो कि अच्छी हुई हैं मेरे साथ, बहुत ज्यादा अच्छी हुई हैं, वो सभी एक साथ मेरी आंखों के सामने आई कि भगवान की मैं क्या उस काबिल थी कि आपने मुझे इतना कुछ दिया। और जब मैं भगवान के श्री चरणों में ऐसा कुछ सोच रही थी तो मेरे को नहीं पता कि मेरी आंखों में से आंसू कैसे निकलने लगे। और देखो भगवान ने श्री चरणों में ऐसा कुछ सोच रही थी तो मेरे को नहीं पता कि मेरी आंखों में से आंसू कैसे निकलने लगे। और देखो भगवान ने अपना प्रेम मुझ तक भेजा। और इतनी भीड़ में से सिर्फ एक फ्लावर मुझे मिला। I'm so blessed. मुझे लगता है आप रिकॉर्ड कर रहे थे तब आप भी इतने ब्लेस्ड हो कि आपको भी वो उनके श्री चरणों की फूलों की माला आपको exactly. Thank you.
अच्छा लगा होगा, भगवान की भक्ति बहुत अच्छी लगी होगी और मैं हमेशा प्रेयर करूंगी कि आपका ये पूरा साल ऐसे भक्ति भाव में गुजरे, श्री हरि के नाम के साथ गुजरे और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर है, बहुत आज आप यकीन मानिए इस्कॉन टेंपल को बहुत बहुत सुंदर सजाया गया है। आज कुछ अलग बात है और जैसा कि आपने पूछा कि कैसा रहा, बहुत अच्छा रहा। एक सेकंड, कैसा रहा? व्हाई यू वर क्राइंग? ये स्क्रिप्टेड था या होगा था नेचुरली? नहीं, वो साल 2022 का अंत हो रहा है तो तमाम वो सारी चीजें जो कि अच्छी हुई है मेरे साथ, बहुत ज्यादा अच्छी हुई है, वो सभी एक साथ मेरी आंखों के सामने आई कि भगवान की मैं क्या उस काबिल थी कि आपने मुझे इतना कुछ दिया। और जब मैं भगवान के श्री चरणों में ऐसा कुछ सोच रही थी तो मेरे को नहीं पता कि मेरी आंखों में से आंसू कैसे निकलने लगे और देखो भगवान ने अपना प्रेम मुझ तक भेजा। मैं यही बोलने वाला था, अपना प्रेम मुझ तक भेजा और इतनी भीड़ में से सिर्फ एक फ्लावर मुझे मिला। मैं बोलने वाला था कि या तो मुझे नहीं पता कि वो मतलब पुजारी जी तो ऑब्वियसली जरिया है, ठीक है, जब तुम सामने मंदिर की तरफ देख रहे थे ना एंड तुम जब हल्का सा आंखें नम हुई एकदम से उन पुजारी जी ने कैसे देखा, उन्होंने वो ये फूल तुम्हें उठा के दे दिया और एक होता ना कि कनेक्ट, मैं वहां खड़ा देख रहा था ना, आई कुड फील दैट कनेक्ट, ठीक है। और मुझे नहीं पता ऑब्वियसली तुम्हें गूज़बम्स डेफिनेटली आ गए होंगे, मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे उस टाइम पे कि यार वो कनेक्ट फील हो गया था सीरियसली, मतलब इट वाज रियली 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 दैट अमेजिंग मोमेंट कि मुझे भी गूज़बम्स आ गए थे कि सच में यार आप भगवान को दिल से याद करो। हर्ष बताइए, एक बार नहीं ये दो बार हुआ है, मुझे लगता है आप रिकॉर्ड कर रहे थे तब आप भी इतने ब्लेस्ड हो कि आपको भी वो उनके श्री चरणों की फूलों की माला आपको मिली। एग्जैक्टली वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इफ आई हैव इट, आई हैव इट, मुझे ये उनके चरणों की माला मिली, ठीक है, और हमारा तो सच में न्यू ईयर बन गया है, हमारा न्यू ईयर बन गया है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अच्छा न्यू ईयर हो सकता है। हाँ, हम अपने पेरेंट्स को जरूर मिस कर रहे हैं क्योंकि भगवान के बाद हमारे दूसरे भगवान हमारे माँ बाप है, हम इस न्यू ईयर पे उनसे दूर हैं लेकिन दिल से हम कनेक्टेड हैं और आज भगवान ने मेरा और इनका न्यू ईयर बहुत अच्छा बनाया है। और आप बताइए आपका 2022 कैसा रहा? देखो ऑब्वियसली अब ये इसने जानबूझ के पूछा है, घर से मुझे पट्टी पढ़ा के लाई थी मेरे बारे में दो अच्छी बातें बोल दी हो, बट जोक्स अपार्ट आई वुड लाइक वांट टू से कि आई 2021 आई वुड डू इट वाज लाइक वेरी सैड डल मोमेंट, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट आई वांट टू से दैट यू हैव स्टेप्ड इनटू आवर लाइफ, मेरी सारी फैमिली के चेहरे पे जो खुशी गायब थी वो खुशी वापस आ गई एंड ठीक है ये सिखा के नहीं लाया हुआ, दिस इज कमिंग आउट लाइक नेचुरली और आई जस्ट वांट टू से थैंक यू एंड बस मैं ही चाहता था थैंक यू सो मच कि मतलब मुझे ऐसे मुझे हर कोई ब्लेस करता था कि कीर्ति जब तेरी शादी होगी देखे तुझे बहुत बहुत अच्छा परिवार मिलेगा। और मैं सच में मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो बहुत लड़कियां हैं ब्लेस्ड इस दुनिया में, बट मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे माँ बाप और इतना अच्छा पति। चलो ठीक है, कभी कभी बीच में हो जाता है ऑन ऑफ वाला झेलने वाला सीन हो जाता है, बट बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। ओके, अभी बहुत ज्यादा मैं लपेटता जा रहा हूँ, नीचे मैं लपेट रहा हूँ। अच्छा, आपने अंदर भगवान कृष्ण से कुछ बात की, श्री हरि से कुछ बात की? मैं सच में अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, अपने लिए, और आज भी मैंने वही किया, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मैं बस यही मांगता हूँ कि मेरी फैमिली को अच्छा रखना, उनको खुश रखना, उनकी खुशी में सबकी खुशी है, दैट्स इट, मैं अपने लिए नहीं मांगता, दैट्स इट। और अगर आप, क्योंकि हम 31st ईव को ये वीडियो बना रहे हैं आप तक, अगर ये वीडियो हम कोशिश करेंगे हम जल्दी आप तक पहुंचा पाएं, और आप भी अपना न्यू ईयर ऐसे ही मनाइए, 1 जनवरी को नहीं तो 2 जनवरी को जाइए, जब भी जाइए भगवान के चरणों में जाइए और ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड सब कुछ भगवान के चरणों में रख दीजिए कि थैंक यू सो मच जो भी हमें मिला, क्योंकि हम अक्सर हम ना शिकायतों को भगवान से ना कंप्लेंट करते हैं कि भगवान आपने हमें ये नहीं दिया, बट जब हमें कोई चीज मिलती है हम उनको थैंक्स करना भूल जाते हैं, ठीक है, जस्ट बी ग्रेटफुल कि यार आपके पास जो है ना वो शायद लाखों करोड़ों के पास नहीं है, ठीक है, तो ऑलवेज बी थैंकफुल कि आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आप इससे बेहतर करिए, बिल्कुल करिए, बेहतर करना अच्छी बात है, आगे बढ़ना अच्छी बात है, बट
कभी अपने आप को ऐसे डिमोरलाइज मत करिए कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं यार, हर रोज नई सुबह होती है कल एक। और मुझे लगता है कि जब तक कुछ हमारे साथ गलत नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, तो हम सीखेंगे कैसे। बिल्कुल, तो भगवान एक जरिया होता है कुछ ना कुछ सिखाने का हमें, तो हर चीज को अगर हम प्यार से आगे लेकर के चलेंगे, मुझे लगता है प्रवचन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आई वुड लाइक टू लाइक कट इट हियर, और वी जस्ट वांट टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, और ये नया साल आप सभी के लिए बहुत खुशियां लेके आए, और हम यही आपसे चाहते हैं। और पता है एक और बात, मतलब मुझे बड़ी सारी बातें आ रही है, मेरे को आप सभी से बहुत बातें करनी है, क्योंकि आप ही जरिया हो कि जिसके जरिए हम अपने मन की बात पहुंचा पाते हैं। जब जब इस कौन आते हैं ना, मेरा मन करता है कि हम वृंदावन जाए, और गाइज भगवान कृष्ण राधा रानी हमें जल्दी बुलाए, तो हम वृंदावन पर भी बहुत बहुत अच्छा ब्लॉग बनाएंगे। अब ये इस कौन में जो कुछ भी था वो हम आपको दिखाना चाहते थे, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ बिल्कुल, और जिसको अच्छा नहीं लगता यार, भगवान के चरणों में आगे किसको अच्छा नहीं लगता। अभी हमारा न्यू ईयर एंड नहीं हुआ है, अभी हम वृंदावन आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, हम जल्दी जाएंगे। ठीक है, और फिर आपको भी साथ लेके चलूंगा, आपको भी घुमाएंगे, पूरी वृंदावन की यात्रा कराएंगे। ठीक है, अभी डेट डिसाइडेड नहीं है, बट आई प्रॉमिस यू हम चलेंगे। ठीक है गाइस, ओके, और आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ठीक है, बाय बाय। Thank you.